अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज चला दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जो जो बच्चे अभी तक नहीं आए वो ज्वाइन कर लें। सर, जो जो बच्चे मौजूद हैं, आवाज क्लियर है, डिस्प्ले क्लियर है, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा लो सर, शुरू करते हैं। सर जी, हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने ये बात की थी कि अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट क्या होता है, और उसमें हमने पहली बात ये की थी कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट एजेंट क्या होता है, इसकी बात हुई थी। मुझे याद है प्रॉपर्टी डीलर वाली सारी मिसाल दी थी आपको, समझाया था। और मैंने कहा था सर, मैं एजेंट नेगोशिएट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और अल्टीमेटली होता ही है कि थर्ड पार्टी प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के लिए लायबल होती है। अलबत्त एजेंट दरमियान वाला काम करता है, एजेंट असल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। आप ऐसे कह लीजिए कि एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, एक सहूलतकार होता है, असल में प्रिंसिपल का नुमाइंदा होता है। और एजेंट जो है उसके लिए कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई रूल भी लागू नहीं है। एजेंट अगर माइनर भी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट तो असल में किसका और होता है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का और होता है। और एजेंट के लिए आमतौर पे कहते हैं कोई काम भी करो तो कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन सर एजेंट ऐसा बंदा है कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर एजेंसी, एजेंट होते हुए कोई कंसिडरेशन भी जरूरी। लो सर, और फिर मुझे याद है मैंने ये सारी एग्जांपल्स पढ़ाकर आपको ये बात समझाई थी, और लास्ट में बिल्कुल मुझे याद है कि मैं आपको ये बात भी बता रहा था कि सर अथॉरिटी ऑफ एजेंसी में एक टेक्निकल लूप होल है, वो ये कि आप एक बंदे जो है उससे काम उसको काम कह दें, वो सारा काम करते हैं, बाद में आप कहें ये मेरा एजेंट ही नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप एक बंदे से काम करें और आपके हाँ ये मेरा एजेंट है, लेकिन मैंने इसको ये काम करने की अथॉरिटी ही नहीं दी। तो भैया प्रिंसिपल क्या पता डिनाई कर दे के बाद में कि हमारा एजेंसी रिलेशन ही नहीं है, प्रिंसिपल क्या पता ये बात मानने से इनकार कर दे कि इसने मेरी अथॉरिटी से बियॉन्ड चला गया। प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी व्हेन एजेंट हैज अथॉरिटी, वेदर दैट दैट अथॉरिटी इज एक्सप्रेस और और वेदर द अथॉरिटी इज एक्चुअल और अपेरेंट। सर प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड, प्रिंसिपल थर्ड पार्टीज के सामने लायबल होगा जब एजेंट ने अथॉरिटी दी है, चाहे वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जब एजेंट को अथॉरिटी दी गई है, चाहे वो एक्चुअल या अपेरेंट हो। सर जाहिरी थी, असल में नहीं थी, लेकिन आपने कहा था हाँ है असल में नहीं थी, तब भी सर आप लायबल हो जाएंगे, प्रिंसिपल लायबल हो जाएंगे। लो जी, इसकी एग्जांपल करते हैं आपके साथ डिस्कस। एंड एजेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट काम कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पर। He enters into a contract with another party. ये दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, पार्टी और स्टेट करता है कि he is acting as agent for P, कि वो किसके बिहाफ पर काम कर रहा है, P के एजेंट के बिहाफ पर काम कर रहा है। पी रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पी ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म पूरी करने से इनकार कर दिया। इस सिचुएशन में एजेंट ए लायबल होगा थर्ड पार्टी को भी और प्रिंसिपल को भी फॉर द ब्रीच ऑफ नेगेटिव अथॉरिटी। सवाल ये है, ए एजेंट है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ थर्ड पार्टी के साथ, और स्टेट ये बात की कि वो पी का एजेंट है, जबकि ए जो है वो उसमें ए हैज एक्चुअली एक्टेड आउटसाइड ऑफ, ए ने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड एक्ट किया। पी रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पी ने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मानने से
इनकार कर दिया। अब ए अथॉरिटी से बियॉन्ड चला गया था। बी ने कहा भाई मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने मकान किराए पर देना है, तुमने मकान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तुमने अब मैंने जितनी तुम्हें इख्तियार दिया था तुम मुझसे बाहर चले गए, तुम फारग हो, मैं तुम्हारी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। अब कौन पकड़ा जाएगा सर? एजेंट ए लाइबल, थर्ड पार्टी के सामने भी और प्रिंसिपल के सामने भी। और प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा चूंकि प्रिंसिपल ने तो उसको ये अथॉरिटी दी ही नहीं थी। डिफरेंट टाइप ऑफ अथॉरिटीज होती हैं। एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो रिटन फॉर्म में दी जाती है, जहां पर बाकायदा आ जाता है क्या क्या काम तुम्हारे पास तुमने करने हैं, क्या क्या अथॉरिटी तुम्हारे पास है। तुमने मेरा मकान किराए पर देना है, ये लो चाबी, मैंने चाबी तुम्हारे हवाले किया, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मकान का ख्याल भी रखना है कि कब्जा ना हो जाए, मेरे मकान को किराए पर भी देना है, तुम्हें पावर दे दी, तुम्हें चाबी दे दी, तुम्हें और टास्क दे दी कि तुमने मकान किराए पर चढ़ाना है। अथॉरिटी बड़ी क्लियर हो गई किराए पर देने के लिए मकान दी। पारिस ने पॉइंट किया आजम को कि उसका घर बेच दे, रिटर्न पावर ऑफ अटॉर्नी दी। सर ये जो रिटर्न पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, इसने बड़ा क्लियरली कहा आजम ने घर बेच दिया, आजम ने एक्सप्रेस अथॉरिटी, आजम के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी थी। और इस केस में पारिस बाद में ये नहीं कह सकते कि आजम ने घर बेचा, मैंने तो नहीं उसे इख्तियार दिया, सर रिटर्न इख्तियार दिया था, अब बैकआउट नहीं कर सकता। सर ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। अगर उसने वर्बली इजाजत दी भी कि तुम मेरी दुकान चलाओ, तो वो मिसाल के तौर पर ए को पीने का है तुम मेरी दुकान चलाओ, अब ये खरीदारी भी करता है चीजें बेचता भी है, सर इस केस में ए के पास अथॉरिटी है। पारिस अपॉइंटेड आतिफ एज एजेंट टू सेल गुड्स एट हिज शॉप बाय अ वर्बल एग्रीमेंट। आतिफ सोल्ड द गुड्स, आतिफ हैड एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड ट्रांजैक्शन इज बाइंडिंग ऑन पारिस। ट्रांजैक्शन किस पर बाइंडिंग होगी? पारिस पर ट्रांजैक्शन बाइंडिंग। इंप्लाइड अथॉरिटी, authority of an agent in excess of his express authority is implied. Sir, authority of an agent in excess of express authority is implied authority. Agent की authority, agent की excess of express authority is implied authority. Things spoken, written or ordinary course of dealing may also be accounted for. कहता है एजेंट की अथॉरिटी जो होती है, जो इन एक्सेस ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, जो सर्कमस्टेंसेस से बदल सकती है। सर अगर कोई बच्चा किसी टीए को मैंने ये कहा है कि तुमने ये सारा टेस्ट चेक करना है, तो अंडरस्टूड है कि मार्क्स भी उसने एलोकेट कर। अब इसके लिए इंप्लाइड का मतलब, इंप्लाइड को अगर मैं सहन लगा दूं तो इसकी असल में थीम है अंडरस्टूड, जिसको हम आम जबान में अंडरस्टूड कहते हैं ना कि यार ये तो होना ही है, ये तो ऑब्वियस ही है। मैं एक बंदे को कहता हूँ कि यार मैं एक माह के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, तो मेरी दुकान अच्छे से चलाना, दुकान का एक बल्ब खराब हो जाता, वो जनाब बल्ब रिप्लेस करके नया बल्ब लगा रहे, उसने गलत किया ये ठीक किया। अब मैं वापस आएगा, तुम्हें तो मैंने अथॉरिटी नहीं दी ठीक है, तुम बल्ब भी ठीक करो। सर जिस वक्त मैंने दुकान चलाने की अथॉरिटी दे दी, तो अंडरस्टूड है खरीदारी की अथॉरिटी भी दी, अंडरस्टूड है बेचने की अथॉरिटी भी दी, सर सारी अथॉरिटी मैंने उसको दे दी। सर ये इंप्लाइड है, वो जो लिखी हुई अथॉरिटी होती है स्पोकन रिटन ऑर्डिनरी कोर्स, वो रिटर्न है एक्सप्रेस है, लेकिन ये इंप्लाइड अथॉरिटी। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी आउट ऑन अ बिजनेस है, एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरीथिंग लॉफुल, एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यू बी डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। जी तो भाई यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी एजेंट जिसके पास अथॉरिटी है बिजनेस को कैरी करने की,
उसके पास अथॉरिटी होगी कि कोई लॉफुल एक्ट भी करना चाहे वो कर ले नेसेसरी और यूजली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। सर E12 Amjad owns a shop in Quetta, living himself in Karachi and visiting the shop occasionally. The shop is managed by Basit and he is in the habit of ordering goods from Daud. उसको आदत है कि वो दाऊद से गुड्स खरीदता है अमजद के नाम पर और पेमेंट भी करता है अमजद के पैसों में से। अब ये नॉर्मली चल रहा है। अब बासित के पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी आ गई है कि वह दाऊद के नाम पर चीजें खरीदे और उसको पेमेंट। द परचेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे ऑर्डर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर। सर परचेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है वो ऑर्डर करेगा क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर। इन डूइंग सो द डायरेक्टर माइट एक्सीड द स्कोप ऑफ द एक्सप्रेस अथॉरिटी बिकॉज द कंपनी पॉलिसी माइट बी दैट परचेज अबव अ सर्टेन वैल्यू मस्ट बी मेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। सर परचेज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है वो किसी भी क्वांटिटी को ऑर्डर कर सकता है लेकिन डायरेक्टर माइट एक्सीड द स्कोप ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी because company policy might be that purchase company की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि परचेज डायरेक्टर 1 करोड़ से ज्यादा की परचेज नहीं कर सकता। अब अगर तो सप्लायर को पता है कि परचेज डायरेक्टर की लिमिट कितनी है तो फिर तो बात ठीक है और अगर सप्लायर को ऐसा कुछ नहीं पता तो परचेज डायरेक्टर जितने की भी चीजें खरीद ले अंडरस्टूड समझा जाएगा कि परचेज डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है। सर आप पोस्ट देखे ना परचेज डायरेक्टर। अब अगर इसकी कोई अथॉरिटी कुछ लिमिटेशन है तो बताया। अगर कंपनी को पता है इसकी लिमिटेशन के बारे में तो कंपनी इतनी चीजें उसको देगी और उससे अपनी क्या कहते हैं जो अथॉरिटी उससे बियॉन्ड के लिए फिर परचेज जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी। और अगर जो जिस बंदे को चीजें बेची जा रही हैं सप्लायर को सप्लायर जिससे चीजें खरीदी जा रही हैं अगर उसे पता ही नहीं है कि परचेज ऑर्डर की अथॉरिटी कितनी है परचेज डायरेक्टर की तो वो जितने की भी परचेज देगा सबके लिए कंपनी लाइबल। तो अगर सप्लायर को नॉलेज है लिमिट की सप्लायर को अगर लिमिट की नॉलेज है तो वो लाइबल होगा। सप्लायर के पास अगर नॉलेज है तो फिर तो जितनी एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी ना उस हद तक कंपनी लायबल होगी। कंपनी लायबल होगी एक्सप्रेस अथॉरिटी। और अगर सप्लायर को नॉलेज नहीं है सॉरी ये सप्लायर को नॉलेज है तो फिर तो एक्सप्रेस अथॉरिटी तक कंपनी लायबल होगी। और अगर सप्लायर को नॉलेज ना हो अगर सप्लायर को नॉलेज ना हो तो फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि जितनी चीजें भी डायरेक्टर खरीद रहे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है वो कंपनी उसके लिए इसके लिए कंपनी लाइन। सर ये E13 था। सर एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी ये बात हम कर चुके। एजेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी लॉफुल काम करे जो नेसेसरी है विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। एन एजेंट हैविंग अ ज्यूरिसडिक्शन टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। Anwar is empowered, employed by Parveen, residing in London, to
to recover at Karachi a debt due to Parvi. अनवर को क्या कहा गया है? अनवर को कहा गया है कि परवीन ने अनवर को कहा है कि तुम जो डेट ड्यू है वो रिकवर कर लो। परवीन ने अनवर को कहा है कि जो डेट ड्यू है तुम रिकवर कर लो। अनवर ने वो डेट रिकवर करने के लिए लीगल प्रोसेस पे खर्चा कर दिया। क्या ये खर्चा करने की अथॉरिटी अनवर के पास थी? सर जी, डेट रिकवर करने के लिए केस करना पड़ना था, तो ये केस करने पर जो खर्चा हुआ है वो अनवर ने परवीन पर, लाजमी बात है परवीन से रिकवर करना, तो भाई उसके पास अथॉरिटी थी एज एन एजेंट के वो ये काम करे, उसने किया। यस, बारिज ने आसिफ को कहा कि तुम मेरे एजेंट बन जाओ बिजनेस ऑफ शिप बिल्डिंग। आसिफ ने लकड़ी खरीदी, बाकी मटेरियल खरीदे, वर्कमैन रखे, क्या ये उसने ठीक किया? बिल्कुल ठीक है, शिप बिल्डिंग है ये सारा काम, उसके पास अथॉरिटी थी करने की, उसके स्कोप में आ रहा था। अच्छा ये जरा देखिएगा, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल कहते हैं जाहिरी, प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी व्हेन थर्ड पार्टी हैज रीजंस टू बिलीव दैट एजेंट हैज अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट एन एक्चुअल एजेंट। कहता है प्रिंसिपल लायबल होगा थर्ड पार्टी को जब थर्ड पार्टी के पास रीजन टू बिलीव हो कि एजेंट के पास अथॉरिटी है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट एन एक्चुअल एजेंट। प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होता है जब थर्ड पार्टी के पास रीजन टू बिलीव हो कि जनाब प्रिंसिपल ने एजेंट को ये अथॉरिटी दी हुई है और वो उस अथॉरिटी से बियॉन्ड नहीं गया, या जब थर्ड पार्टी के पास रीजन टू बिलीव हो कि ये इसका एजेंट है जबकि वो असल में उसका एजेंट ना हो। सर एक बंदा है मिस्टर ए, ये एजेंट है किसका? मिस्टर पी का। पहले ये एजेंट था, पिछले 6 साल से एजेंट है, अब इसने नौकरी छोड़ ली। अब अगर इसने नौकरी छोड़ी है थर्ड पार्टी को इस बात का नहीं पता, नौकरी छोड़ने के बाद मिस्टर ए थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है मिस्टर बी के बिहाफ पे, तो थर्ड पार्टी इस बारे में हक भी जानी होगी कि हम समझे कि मिस्टर ए मिस्टर बी का एजेंट है। अगर उसने कोई बात नहीं की तो अंडरस्टूड है कि मिस्टर ए मिस्टर बी का एजेंट है, तो वो ये बात कह रहा है कि जाहिरन तो वो एजेंट है, अगर बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी थी तो इसमें थर्ड पार्टी का कसूर नहीं होगा। हाँ अगर मिस्टर बी पब्लिक नोटिस देके कहता है भाईजान अब मेरा मिस्टर ए से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, या वो सारी थर्ड पार्टीज को बता देता है, उसके बाद भी मिस्टर ए मिस्टर थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट करे, तो फिर मिस्टर बी इसका जिम्मेदार नहीं होगा। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी है कि एक बार अथॉरिटी थी, सर मिसाल के तौर पर मेरा एक टी है जनरली टेस्ट हमेशा वही आप लोगों को देता है और वही चेक करता है और रिटर्न करता है। अब हुआ ये, इस बार जब टेस्ट होना था तो वो उस टीए ने कंडक्ट किया नॉर्मली, अगली बार जो टेस्ट होना था उससे पहले वो टीए छोड़ चुका था। अब आप लोग जो रूटीन में टेस्ट देते थे, जब उसी टीए ने दोबारा टेस्ट दिया, तो आप मुझे दोबारा कह मतलब आप लोगों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा वही टीए हर बार वही टेस्ट लेता है और इस बार भी ले रहा है, तो आपने उसके टेस्ट को परफॉर्म किया। बाद में मैंने क्लास में आकर बताया कि यार आपने वो टेस्ट क्यों दिया, वो तो मैंने दिया ही नहीं था। आप कहेंगे सर आपके टीए ने तो दिया था। भाई जान मुझे बताना चाहिए था ना कि वो वाला टीए इज नो मोर एसोसिएटेड विद मी। अगर मैंने नहीं बताया और आप समझे कि ये टेस्ट जो टीए दे रहा है ये मेरी तरफ से दे रहा है, तो आप हक बजाने पर जी मेरी बात समझ आ रही है, तो वो ये बात कह रहा है कि थर्ड पार्टी अज्यूम करेगी कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर बात कर रहा है और इसको प्रिंसिपल की तरफ से ये वाली पोजीशन और ये वाली पावर्स दी गई हैं। यस,
परवेज ने टर्मिनेट कर दी सर्विस ऑफ हिज एजेंट, परवेज टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ हिज एजेंट, नो नोटिस टू दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय परवेज, इसके हवाले से कोई नोटिस परवेज ने नहीं दिया। सब्सिक्वेंटली अनम ने परचेज किया गुड्स फ्रॉम तलाल on behalf of Parvez. It was held that Parvez was liable to pay the price to the law. Parvez ne terminate kar di service apne agent Anam ki aur iske baad usne koi notice nahi diya. Subsequently Anam ne jab purchases ki talal se to faisla ye suna gaya tha ki Parvez liable hoga kyunki Parvez ko inform karna chahiye tha, public notice dena chahiye tha bhai. She is no more my agent. Parvez ne write kiya talal ko ke Azam is authorized to sell his car. Baad mein Parvez ne privately instruct kar diya Azam ko ke gaadi na becho. Azam ne gaadi bech di talal ko to kya ye binding hai sir? Parvez ne publicly kya kaha becho. To is case mein Parvez liable hoga sir. ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी एक्चुअल नहीं है, असल में वो एजेंट नहीं था लेकिन पब्लिक के सामने वो एजेंट था और इस वजह से पारस को लाइबल करार दिया जाएगा। पाशा लीव सर्टन आर्टिकल्स विद असलम एंड ऑक्शनियर आस्किंग हिम नॉट टू सेल देम बिलो अ स्टेटेड प्राइस। Azam sells the article to Tariq below the stated price. Tariq knows of Pasha's instruction to Azam. Pasha can set aside the contract with Tariq. Pasha ne articles leave ki Azam ko jo auctioneer tha aur usse kaha ki sell na kare isse kam, lekin Azam ne us stated price se kam par bech diya. सर ये बियॉन्ड हिज अथॉरिटी की है। तारिक को अगर पता होता कि अथॉरिटी से बियॉन्ड गया है तो फिर इस केस में पाशा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड कर सकता है अगर थर्ड पार्टी को पता हो कि प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दी है। लेकिन अगर पाशा को नहीं पता, अगर पाशा ने जो सेट असाइड किया है सॉरी अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता कि प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दी है और वो स्टेट प्राइस से काम का बेच देता है तो इस केस में प्रिंसिपल ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। सेम ई 18 और 19 है, ए केस में लिखा हुआ है तारिक इज अवेयर ऑफ या तारिक नोज, और दूसरे में लिखा हुआ तारिक इज इग्नोरेंट। दोनों ये दोनों चीजों का फर्क है। एक केस में पाशा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, एक केस में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। एजेंट अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, एजेंट के पास अथॉरिटी है, एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज, एजेंट के पास अथॉरिटी है कब इमरजेंसी क्या करें, ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस। एजेंट के पास अथॉरिटी है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो सारे काम करे जो कोई भी ऑर्डिनरी बंदा करता अपने आप को नुकसान से बचाने। उसने दो एग्जांपल्स दिए बड़ी कमाल, लाहौर से रावलपिंडी जा रहे थे बटर लेके, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर को ये ध्यान था कि ये बटर जाया हो जाएगा, ड्राइवर ने कम कीमत पर वो बटर बेच दिया, सही किया या गलत किया? सर ठीक किया। इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट के पास अथॉरिटी होती है कि कोई भी काम कर ले लॉस से बचाने के लिए, लेकिन अगर लाहौर से रावलपिंडी जा रहा था फर्नीचर और ड्राइवर को और ड्राइवर ने वो फर्नीचर रास्ते में बेच दिया तो सर ये गलत किया। ये दो एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं। सर बटर लेके जा रहा था, एक केस बटर वाला है, उसको पता था कि बटर खराब हो जाएगा तो उसने बटर नुकसान में बेच दिया, ठीक किया। लेकिन अगर फर्नीचर था तो उसने ठीक किया।
अगर फर्नीचर था तो उसने ठीक नहीं किया एंड एजेंट फॉर सेल में हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट बी नेसेसरी, अगर वो नेसेसरी है। जी बाज औकात आपको चीजें बेचने के लिए उन्हें रिपेयर कराना पड़ता है, अगर आपने रिपेयर कराया जो उसके बेचने के लिए जरूरी था तो ठीक किया, गलत नहीं किया सर। सर जी ये मैंने इसको चैप्टर 10 करवा दिया, इसके कुछ पास पेपर्स हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले भी करवाया जब मैं माइनर वाली बात करा रहा था। While attending a seminar, Khizr told a group of people on this table that he is the agent of Lucky. Lucky smiled, considering it a joke. Later, Moise was sitting on the table and sold security cameras and surveillance system to Khizr on credit, believing him to be an agent of Lucky. Comment on whether the contract of agency is established between Khizr and Lucky. जी सीजन ने ग्रुप ऑफ पीपल को बताया जो टेबल पर बैठे थे कि लकी उसका एजेंट है। लकी भी चुप कर गया। बाद में मुईज जो टेबल पर बैठा था उसने सिक्योरिटी कैमरा भेज दिए खिजर को क्रेडिट पर, बिलीविंग के ये एजेंट है लकी का। तो क्या इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो गया था? यस सर जी, इसका सलूशन भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये स्टॉपर एक और बात, एक तो उसने ये बात कह दी ना यार, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये भी कॉन्सेप्ट के साथ ही याद रखे। स्टॉपर की बात हम पहले भी कर चुके हैं जब आपको माइनर पढ़ा, जिसमें कहता है कि अगर माइनर अपने आप को मेजर कह दे तो उससे वो मेजर हो नहीं जाता और इस केस में वो लायबल नहीं होगा। लेकिन एक बंदा अगर अपने आप को एजेंट कह दे, या एक बंदा ये बात मान ले, एक मिस्टर ए कह दे कि हाँ मिस्टर के मेरा एजेंट है, और बाद में वो एजेंट ना हो तो मिस्टर ए बाद में इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। मिस्टर ए विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग कि मिस्टर के उसका एजेंट नहीं है, और फिर अगर मिस्टर के कोई काम गलत करता है तो मिस्टर ए उसके लिए लायबल होगा एज अ प्रिंसिपल। अच्छा जी, खिजर इज इन दिस सिचुएशन हैज बिकम एजेंट ऑफ लकी बाय स्टॉपल। लकी इज बाउंड बाय द ट्रांजैक्शन एंड ही स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी सिंस ही गेव आउट क्लियर रिप्रेजेंटेशन टू अदर्स बाय स्माइलिंग एंड कीपिंग क्वाइट। तो भाई उसने बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे दी, बाद में वो स्टॉपल का रूल इस पर अप्लाई नहीं होगा और वो लायबल होगा। आरएफ रनिंग अ मीट शॉप वांटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर इन पिशावर, सो इसने अपने दोस्त मुनीश को कहा कि तुम मेरी दुकान पर ख्याल रखना। मुनीश ने देखा कि डीप फ्रीजर से इतना काम नहीं कर रहा और उसने 5% डिस्काउंट लगाकर सारा गोश्त बेच दिया। अब जब उसने देखा कि 5% डिस्काउंट देने से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो मुईज ने ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू रख के मीट पर 5% डिस्काउंट लगा दिया। पिशावर से जब वापस आए आरिफ, तो आरिफ बड़ा अनहैप्पी हुआ, यार तुमने 5% डिस्काउंट क्यों लगाया था। उसने फौरन डिस्काउंट खत्म किया और मुईज को कहा कि जो मेरा नुकसान तुमने किया उसको पूरा करो। क्या मुईज नुकसान के लिए जिम्मेदार है? सर जब तक तो उसे गोश्त के खराब होने का खतरा था और उसने 5% डिस्काउंट किया, तब तक तो वो लायबल होगा, क्योंकि एजेंट की इमरजेंसी सिचुएशन में ये अथॉरिटी होती है कि वो एजेंट की इमरजेंसी सिचुएशन में ये अथॉरिटी होती है कि वो जो है वो इसको एजेंट की इमरजेंसी सिचुएशन में ये अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी एक्ट कर ले।
नुकसान से बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब उसने फ्रीजर ठीक हो गया था और उसने उसके बाद फिर डिस्काउंट दिया, ये गलत किया, इसका जो नुकसान हुआ वो उसे पे करना पड़ेगा। दिस वाज द आंसर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। बहराम एम्प्लॉयड था सीन टू सेल हिज कार टू असेट फॉर 5 लाख एंड इन्वेस्ट इन ब्लू चिप गवर्नमेंट। द सीन इन्वेस्टेड 4 लाख इन गवर्नमेंट बॉन्ड एंड 1 लाख इन ब्लू चिप। ये अथॉरिटी से भी ऑन चलेगी। इस केस में जो नुकसान होगा ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट में, उसके लिए तहसीन लाइबल होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 था एजेंट अथॉरिटी इमरजेंसी। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए सर। आज के लिए इतना ही था। चैप्टर नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू जी। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। अलीम हमारे साथ लाइन पर है जी, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए। नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।